हमेशा खुश रहने वाली शिवांगी जोशी भी कभी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। आप सबकी फेवरेट नायरा यानी कि शिवांगी जोशी की जिंदगी में भी एक डिप्रेशन फेज आ चुका है, जिसका खुलासा खुद शिवांगी जोशी ने किया है और बताया है कि इन्होंने किस तरह डिप्रेशन को फेस किया और उससे बाहर निकले। तो चलिए जानते हैं आखिर शिवांगी जोशी ने किस तरह डिप्रेशन झेला और उससे बाहर निकले। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सबकी फेवरेट नायरा यानी कि शिवांगी जोशी ने अब तक टीवी इंडस्ट्री में बहुत से सीरियल्स किए हैं, लेकिन इन्हें अपनी लाइफ में असली पहचान सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता से ही मिली है। और इस सीरियल के दौरान ये इतनी फेमस हो गई कि आज इनके पास ना तो फेम की कमी है और ना ही पैसे की। हर चीज में आज शिवांगी जोशी सबसे आगे हैं और इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ सेटल करने के बाद पर्सनल लाइफ पर भी फोकस किया था, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ सेटल नहीं हो पाई। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नजर आए कार्तिक यानी कि मोहसिन खान के साथ इनके रिलेशनशिप काफी अच्छे थे। दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक दोनों में कुछ मतभेद होने के कारण दोनों का ब्रेकअप हो गया। हालांकि अपने ब्रेकअप की खबरों पर इन्होंने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, पर खबरें हैं कि दोनों ने इंस्टाग्राम से एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और शिवांगी जोशी पूरी तरह इन सब को फेस करके टूट चुकी थी और डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। लेकिन इन सब चीजों से ये बाहर निकल गई और एक इंटरव्यू के दौरान जब मीडिया ने इनसे सवाल किया ये डिप्रेशन से कैसे बाहर निकली, तब इन्होंने कहा कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हर किसी के लाइफ में जरूर आती है और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, खुद को पॉजिटिव रखना और खुद पर हमेशा विश्वास रखना। और आखिर में शिवांगी ने कहा कि हर बादल में एक उम्मीद की किरण जरूर होती है और यही वजह है कि आज शिवांगी जोशी इतनी खुश रहती हैं। वेल दोस्तों, आप शिवांगी जोशी की इन बातों को सुनकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।